गोरखपुर क्षेत्र में स्थित हिडन कैफे में अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। बीती रात गोरखपुर पुलिस की टीम ने कैफे की घेराबंदी कर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 3 युवक और 2 युवतियां कैफे में हुक्का पीते मिले। पुलिस ने कैफे से फ्लेवर युक्त तंबाकू, हुक्का और कुछ नशीली सामग्री जब्त की है। पुलिस द्वारा इस मामले में प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित हिडन कैफे में देर रात गोरखपुर पुलिस ने छापा मारा। यहां कैफे के आड़ में अवैध हुक्का बार संचालित करने की शिकायत लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी। इस शिकायत के आधार पर जब पुलिस छानबीन करने पहुंची तो कैफे में 2 युवतियां और 3 युवक हुक्के का सेवन करते हुए मिले, जिन्हें पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। पुलिस को मौके पर फ्लेवर युक्त तंबाकू, हुक्का और कुछ नशीली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कैफे का संचालन गुंतास बिंद्रा द्वारा किया जाता है, जो कैफे की आड़ में हुक्का बार संचालित कर रहा था। इस संबंध में कैफे मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। जो कैफे के भीतर हुक्का बार जो चलाया जा रहा था, उसमें दो अलग हुक्का सेट और तम्बाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं और मालिक गुंताज सिंह एवं उनके कर्मचारी करण देओल, सागर बैरागी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक इसके पूर्व भी हिडन कैफे में अवैध हुक्का बार के संचालन की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई से कैफे के कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा।